दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री का आदमी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करता है और वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके इरेजर करके अब कैसे वीडियो बनाता है, वीडियो शूट करता है, बड़ा बड़ा सीटिंग पर शूटिंग लेता है और वही शूट करता वैसा करता है घर के अंदर में और बाद में फिल्म इंडस्ट्री वाला रोड में ऐसे वीडियो बनाता है। तो आप भी इस तरीक़े से कैसे करेगा सेम फिल्म इंडस्ट्री का आदमी का जैसा, तो मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा कैसे वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं जैसे स्क्रीन पे ही हो रहा है ऐसे ही आप कर सकते हैं आप। और तो गाइज, आप देखा है मैंने वीडियो कैसे बनाया है और आप भी इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। कोई ग्रीन स्क्रीन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इधर भी वीडियो शूट करिए और इस URL की वजह से आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन में ऐसे अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ये वेबसाइट को आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप यहाँ से कर सकते हैं। और कैसे करेगा वर्टिक्स पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए तो भी आपको समझ पाएगा। और वीडियो स्किप करिए मत करिए, उसमें वेबसाइट में जाएगा तो भी नहीं कर सकता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको समझ में आएगा कैसे कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए या वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाने के लिए आप सबसे पहले आपका क्रोम ब्राउज़र में जाइए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो करने के बाद में आप वहां पे सर्च करिए, अगर गूगल में भी होगा आप गूगल में भी सर्च करिए। तो यहाँ पर आन स्क्रीन लिखिए, आन स्क्रीन लिख के आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद में देखिए आपका जब पहले वाला जो वेबसाइट आएगा उसमें आप क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे आपको ऐसा मोबाइल पे वेबसाइट आ जाएगा, ग्रीन स्क्रीन का वेबसाइट आ जाएगा। तो देखिए उसका अंदर में इसी होता है और ये बहुत अच्छी तरीका है, उसमें बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए वहाँ पे कैसे करो, बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छी, ऐसा ट्रिक्स कभी भी नहीं देखा है, यह न्यू तरीका आया है। और वीडियो कैसे आप अपलोड करेगा और कैसे वीडियो को बनाएगा ये सभी मैं इस वीडियो की वजह से मैं आपको बताऊंगा, सभी अपलोड करके भी दिखाऊंगा और डाउनलोड करके ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो ऑप्शन दिख रहा है अपलोड, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। अपलोड में क्लिक करने के बाद में आपको गैलरी आ जाएगा। गैलरी आने के बाद में आप गैलरी से कोई भी एक वीडियो जो आप ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहता है या आप दूसरा कुछ सीनरी लगाना चाहता है पीछे, तो इस वीडियो को ले लीजिए। तो देखिए मैं एक वीडियो ले ले रहा हूँ, तो मैं मेरा हिसाब से एक वीडियो ले ली, आप कुछ भी ले लीजिए। लेने के बाद में आप यहाँ पे टच नहीं करना, क्या भी टच नहीं करना, नहीं तो मोबाइल पे रुक जाता है। अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसा ही कंप्यूटर में कर सकते हैं और सेम ही ऐसा वेबसाइट आएगा। और मोबाइल में होगा तो आप डिस्प्ले में टच मत करिए, नहीं तो रुक जाता है ये। बिना टच करके आप ऐसा रुक जाइए, ये 100% होने के बाद में आप उसमें आप ग्रीन स्क्रीन का कुछ एक फ़ोटो रख लेना आपके मोबाइल पर स्क्रीनशॉट करके किधर से भी रखने के बाद में। और ये जब 100% हो जाएगा तब आप ग्रीन स्क्रीन नीचे में प्लस आइकन आएगा, उससे आप क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन को ले लीजिए या कोई वीडियो है तो पीछे में लगाना है वो भी ले लीजिए। तो ग्रीन स्क्रीन लगाने से अच्छा होता है, बाद में दूसरा किसी में लगा सकते हैं, तो इसीलिए ग्रीन स्क्रीन लगाइए। तो देखिए 100% हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को कट कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम करता है, वेबसाइट को अच्छा से डिलीट नहीं करते है। तो देखिए मेरा सक्सेस हो गया, अभी प्लस आइकन आया है नीचे में, देखिए प्लस आइकन में। अभी इरेजर वाला भी डाउनलोड कर सकता है लेकिन इरेजर वाला में अच्छा नहीं हो तो मैं थोड़ा स्किप कर दिया था, मेरा फ़ोन आ गया इसीलिए। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से बैकग्राउंड का अच्छा से इरेजर कर रहा है। इरेजर वाला डाउनलोड करके अच्छा नहीं होता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है और आप बैकग्राउंड लगाएगा तो कितनी लंबा भी चाहिए आपका मर्जी में बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। और अच्छे तरीके से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से हो रहा है, आपको ग्रीन स्क्रीन का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्लस आइकन में क्लिक करिए, आपको आपका मर्जी से कुछ स्क्रीन लगाना चाहता है पीछे वाला बैकग्राउंड। तो देखिए मैं ग्रीन स्क्रीन लगाना चाहता हूँ तो मैं गैलरी में जा रहा हूँ। गैलरी में जाने के बाद में मैं एक ग्रीन स्क्रीन ले लेता हूँ।
तो देखिए मैं ग्रीन स्किन ले लिया, और ग्रीन स्किन लेने के बाद में देखिए पीछे में ग्रीन स्किन आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये न्यू तरीका आया है, ऐसा कभी भी कोई एप्लीकेशन में नहीं होता है। ऐसा एप्लीकेशन में दूसरा दूसरा एप्लीकेशन में होता है, लेकिन वीडियो का साइड कट कर देता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा होने वाला है। आप ग्रीन स्किन लगा के परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो लास्ट तक देखने से आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सीआर वाला ऑप्शन है, पहले सीआर तो उसमें दबाएगा तो आप किसी को सीआर कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में 100% उसमें भी होना है, जब दबाएगा तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं। और बीच में देखिए डाउनलोड, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में देखिए आप उससे आप ये कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो जैसे फ़ोटो वीडियो का जैसे चलता है ना, एक एक फ़ोटो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं वीडियो डाउनलोड करना है तो देखिए मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप ट्राई करिए और बहुत आसान से कर सकते हैं। वीडियो का इससे दोनों URL का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का और एक वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने का, ग्रीन स्किन बनाने का। दोनों URL मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप क्लिक करके आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, डाउनलोड भी हो गया है। अभी मैं गैलरी में देखा था, वो मेरा वीडियो गैलरी में गया कि नहीं गया, वीडियो डाउनलोड करने के बाद में कैसे गैलरी में चलता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए गैलरी में आपको लेके जाता हूँ गैलरी में। तो देखिए मैं इस गैलरी में जा रहा हूँ, आने के बाद में देखिए ये जो वीडियो है ये, तो देखिए सेम उसमें जैसा देखा है ऐसे ही मेरा गैलरी पे आ गया है। और इस तरीके से आप कोई भी वीडियो आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखा है मैंने आपको गैलरी पर भी दिखाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा हर वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा। और मेरा कमेंट करिए आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा है कि नहीं है, कमेंट करके बताइए। और कुछ आपको जानकारी है तो आप मेरे को कमेंट करिए, और मेरा चैनल पर। तो थैंक यू गाइज, मैं वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, और दूसरी ट्रिक्स आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और अभी मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादा फ़ोन भी आ रहा है, और वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू, गुड बाय, अगली वीडियो में बात करता हूँ।